हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और आज आप जैसा कि देख रहे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल के तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूले और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट माने जाने वाले फार्मूले आज हम डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहला वाला जो इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन तीनों इंटीग्रेशंस को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है f1 इंटू f2, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस के लिए, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, माइनस इंटीग्रल, बड़ा सा इंटीग्रल, इंटीग्रल ऑफ होल, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर दो फंक्शंस नहीं दिख रहे ऐसे, तो यहाँ पर हम इंटू क्या कर देंगे, इसमें वन लगा देंगे, इसमें इंटू वन लगा देंगे, और इसमें आइलेट रूल का जो पालन है वो नहीं हो पाता है। आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट सेकंड, अब इसमें देखिए, ये फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। अब हम इस रूल के हिसाब से अगर चलेंगे तो f1 मींस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस ddx ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ वन dx, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये बाहर एक और dx आ जाएगा ब्रैकेट लग के। आप ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ वन आपको मालूम होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन इज x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरीवेटिव ऑफ दिस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज 0, डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर 0 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x इंटू dx। अब इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसे लिख सकते हैं x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और मज़े की बात है कि तीनों इंटीग्रेशन लगभग लगभग एक जैसे हैं। अगर एक आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया तो आपको दोनों आसानी से आ जाएंगे और बिल्कुल कम समय में आ जाएंगे। आप ध्यान से देखें, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x, 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये देखिए ये इंटू एक्स है, तो ये अगर एक्स इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल, इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट क्या है ध्यान से देखिए, इसका जो न्यूमरेटर है वो तीनों केसेस में एक जैसा ही होता है। ये जो इसका न्यूमरेटर है एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमें इसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाना होगा। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले मैं माइनस से डिवाइड और माइनस अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ध्यान से देखिए, अब इसे लिख सकेंगे हम एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस, अब यहाँ पर मैं ए स्क्वायर ऐड कर दूंगा, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दीजिएगा, इसको एक मान लेंगे हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ऐसा लिख सकेंगे हम इस इंटीग्रल को, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dx। अब इन दोनों इंटीग्रल्स को मैं सेपरेट करता हूँ, और ये माइनस इंटू माइनस, आप ध्यान दीजिएगा, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, और ये इसको कैंसिल कर देगा। तो जब ये इसको कैंसिल कर देगा तो आप देखिएगा क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए ये हो जाएगा हमारे पास i का वैल्यू, आप याद रखिएगा, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और चाहें तो इसको नंबर 1 दे दें। अब ध्यान दें, i इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया है x
रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये इसको कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन अलग कर देंगे और माइनस इंटू माइनस, दिस माइनस इंटू दिस माइनस विल बिकम प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस, और इंटीग्रेशन इसके भी साथ होगा, डी एक्स होगा, यहाँ यहाँ डी एक्स आ गया। देखिएगा अब एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ये इंटीग्रल ध्यान दें, ये इंटीग्रल दिस इंटीग्रल इज सेम एज इक्वेशन वन, तो ये रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आई, आई इज इक्वल टू दिस माइनस आई प्लस ए स्क्वायर वन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन आपको याद होगा, इसके भी मैंने डेरिवेशंस किए हैं, अगर आपने देखे नहीं हैं तो आप इनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लें, तो आपको पूरी इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये वैल्यू मैंने कहाँ से लिखी है, ये मैंने लिखी है फ्रॉम वन। अब माइनस आई को जब उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास एक आई ऑलरेडी है, और ये माइनस आई आएगा तो प्लस आई, एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी लगा दें आप। अब आई प्लस आई इज व्हाट, आई प्लस आई इज इक्वल टू टू आई, और आपका अब आंसर आ गया दोस्तों, टू आई इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, इसका इंटीग्रल आपको मैंने बताया है, ये इंटीग्रल आपको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वन अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इनके भी डेरिवेशंस मैंने किए हैं, अगर आप जेई एस्पिरेंट हैं तो इनको जरूर से डिराइव करें, याद तो आपको रखना ही है, डिराइव कर लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको इंटीग्रेशन की नई टेक्निक आ जाएगी। टू से डिवाइड कर दें तो हमें आई की वैल्यू, आई मतलब किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये आपके पास आ गया प्लस सी बाय टू, सी बाय टू को आप चाहें तो के लिख दें, व्हाट इज के, के इज सी बाय टू अनदर कॉन्स्टेंट, वेयर के इज व्हाट, वेयर के इज सी बाय टू अनदर कॉन्स्टेंट। तो ये आ गया दोस्तों इसका इंटीग्रेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स में सबसे ज़्यादा जो लगने वाले इंटीग्रेशंस में से एक इंटीग्रेशन है, वो इंटीग्रेशन है ये। अब आप देखिए कि इंटीग्रेशन हमको सेकेंड का इंटीग्रेशन करना है, सेकेंड का भी इसी मेथड से इंटीग्रेशन होगा और आप कॉन्फिडेंटली करते रहेंगे, साथ बने रहें। अगर आपने चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो ज़रूर से कर दें, और सारे अपडेट्स सारे वीडियोस देखने के लिए इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, और सारे आपको जेई के वीडियोस इसी चैनल पर मिलेंगे और एट नो कॉस्ट। तो सेकेंड वाला है इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी आई अज्यूम करेंगे, अब आपको इसमें और कम समय लगेगा दोस्तों, इसमें भी इनटू हम ले लेंगे वन डी एक्स, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको वन को सेकेंड। क्या है आपका रिजल्ट, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ वन माइनस डिफरेंशियल ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन होल डी एक्स। अब आपको और कम समय लगेगा दोस्तों, रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन इज एक्स माइनस डिफरेंशियल इसका टू रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन ए स्क्वायर का जीरो एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ये टू इस टू को कैंसिल कर देगा, इसका इंटीग्रल हो जाएगा वन, तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और नीचे से नीचे जैसा बनाने की चाह में हमें इसमें ए स्क्वायर ऐड करना है, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है, फिर क्या करना है आपको,
इसको यहां लिख दिया, इसको यहां लिख दिया, x रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको इसके अपॉन में लिखेंगे तो ये बन जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल करके माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ए स्क्वायर बाहर, और इसका इंटीग्रल वन अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको इसका इंटीग्रल आता होगा वरना मैं लिखता भी हूँ, आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आसान काम। ये इंटीग्रल हो गया दोस्तों I इज इक्वल टू एक्स रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको आप लिख सकेंगे I कहाँ से, इसको नंबर दे दें आप फ्रॉम वन, ये वैल्यू हमने लिखी है फ्रॉम वन, प्लस ए स्क्वायर इसका इंटीग्रल देखिएगा, इसका इंटीग्रल होगा लॉग x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड रिजल्ट है प्लस एन इंटीग्रल कांस्टेंट c, बेस इसका e है तो आप ln भी लिख सकते हैं, माइनस i को इधर भेज देंगे, 2i इज इक्वल टू x रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बेस इसका e प्लस c। अब वैसे ही प्रोसीजर 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो i इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास x रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेस e प्लस c बाय 2, और c बाय 2 को जैसा हमने पिछली बार लिखा था k, उसी तरीके से यहां भी लिख देंगे k, और i का वैल्यू है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या फिर रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप जानते हैं सेम चीज है, x बाय 2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा लिखो, लॉग x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के, इंटीग्रल कांस्टेंट के। तो ये था दोस्तों सेकंड का इंटीग्रल, और थर्ड जो इंटीग्रल है विच इज सिमिलर टू सेकंड, तो थर्ड आप सेल्फ ट्राइब कर सकते हैं, और बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं है। थर्ड के इंटीग्रल में भी आपको इसी तरीके से करना है, मैं आपको क्रॉस चेक करने के लिए एक इसका जल्दी से सॉल्यूशन लिखता हूं, ताकि अगर आप कहीं अटक जाएं तो आप इसको क्रॉस चेक कर पाएं। तो दोस्तों ये है थर्ड का इंटीग्रल रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपने ये स्पीड और ये पेस पकड़ लिया तब आप समझो कि आप आगे निकल गए। इसको इंटू वन लिखेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फॉर्मूला ऊपर लिखा है रूट ओवर एक्स। देखिए आप घड़ी से चलिएगा, मैं आपको घड़ी से चलाता हूँ, तकरीबन आपको 13 मिनट 44 सेकंड हुए हैं। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ वन एक्स डिफरेंशियल ऑफ दिस 2√x² - a² 2x² - a² का 2x, 2 से 2 कैंसिल, 1 का इंटीग्रल क्या आएगा, 1 का इंटीग्रल आएगा x, तो वो यहाँ पे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कर दें, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर दिया, सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन दिस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस प्लस माइनस ए स्क्वायर बाहर डी एक्स अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको क्या लिखते हैं आप, इसको लिख देते हैं आप एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये लिख दीजिए आप एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई, वाई इज दिस आई फ्रॉम वन यूजिंग दिस वन, इसका यूज करके माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल आपको याद होगा लॉग एक्स प्लस, वरना ये एक फॉर्मूला है
जिसका इंटीग्रल ये होता है प्लस सी। अब आप माइनस आई उधर जाएगा, टू आई हो जाएगा और फिर आई का वैल्यू आ जाएगा आपके पास x बाय टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी बाय टू को आप क्या लिख सकेंगे के। तो ये देखिए कितना इम्पॉर्टेंट इंटीग्रेशन था, हमने कितने कम समय में इसको कर लिया, मुझे लगता है 2 मिनट से कम समय लगा हमें इसको करने में, तकरीबन 1.5 मिनट जिसमें मैंने काफ़ी कुछ समझाया है। अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो ये आपको 1 मिनट से कम समय में इंटीग्रेशन होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मेरे से संबंधित, आपके कोर्स से संबंधित आपको मिलते रहेंगे। चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप अपनी जिम्मेदारी माने, मैं आपसे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। आप बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं, ऑल द बेस्ट।